हाँ तो दोस्तों, IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर है, और उसकी वजह से यहाँ पर IRCTC का स्टॉक और गिर सकता है, और कितना ये स्टॉक नीचे गिरेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और शेयर होल्डर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जो कन्वीनियंट फीस में जो यहाँ पे IRCTC को जो भी रेवेन्यू यहाँ पे मिलता था, तो उसमें से अब उनको 50% का रेवेन्यू उनको इंडियन रेलवे को देना है। यानी कि पहले जो कन्वीनियंट फीस, यानी कि अगर 100 रुपये का कन्वीनियंट फीस अगर IRCTC को मिलता था तो वो पूरा कन्वीनियंट फीस IRCTC के पास रहता था। लेकिन अभी ये जो कन्वीनियंट फीस का जो पॉइंट आया है, यहाँ पे 50 रुपये जाएंगे इंडियन रेलवे के पास और 50 रुपये यहाँ पे IRCTC के पास रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर अगर IRCTC का अगर कोई है तो वो है ऑनलाइन टिकटिंग की, जो कन्वीनियंट फीस यहाँ पे IRCTC चार्ज करता है वही है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो आपको ये लग रहा है कि जो 50 से 50 हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये कन्वीनियंट फीस को भी कम कर सकती है। क्योंकि अगर हम देखें जो ऑनलाइन टिकटिंग की हम बात कर रहे हैं, पहले ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बहुत कम लोग वहाँ पे टिकट बुक करवाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे कन्वीनियंट फीस रखा गया था, यानी कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह के जो चार्जेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए। लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली 50% से भी ज़्यादा के जो टिकट थे वो ऑनलाइन अभी बुक हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जो कन्वीनियंट चार्जेस है उसे कम कर सकती है, तो और यहाँ पे जो इनके मार्जिन थे वो उस पर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। अब देखिए, स्टॉक के पीई की बात करते हैं तो 245 के पीई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, काफ़ी ओवर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और ये जो नेगेटिव न्यूज़ है आने वाले टाइम पे ये बहुत ही बुरा असर यहाँ पे इसके ऊपर पड़ सकता है। अगर हम प्राइस टू सेल्स की बात करेंगे तो ये नंबर भी 73.8 नंबर पे, तो यहाँ पे 73.8 ये काफ़ी ओवर वैल्यूएशन को यहाँ पे डिफाइन करता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एक डेंजर हमें IRCTC के स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए इतना बढ़िया नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो लगातार हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन जब ये जो कन्वीनियंट फीस वाला जो पार्ट था, ये पूरा जो कंपनी को कन्वीनियंट फीस मिलता था ये पूरा IRCTC के पास रहता था, लेकिन अब ये नंबर जो 50% का जो रेवेन्यू है यहाँ पे कन्वीनियंट फीस से, ये जाने वाला है इंडियन रेलवे के पास। अब ये देखिए, 913 रुपीज़ पर ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अभी जो पिछले स्प्लिट से पहले अगर हम बात करेंगे तो 1279 का स्प्लिट से पहले के हिसाब से इसने हाई बनाया था। तो देखिए, यहाँ पे IRCTC के लिए मेरे ख्याल से नेगेटिव न्यूज़ है, और कल ये लोअर सर्किट पे खुल सकता है, और हो सकता है कि उसके बाद जैसे आज स्टॉक अपर सर्किट मारने के बाद और चढ़ा था, तो हो सकता है कि आज लोअर सर्किट लगने के बाद कल ये और गिर सकता है। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर आपका कोई मेन अगर आपका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है, अगर उसमें से अगर आपको 50% का रेवेन्यू अगर आपको इंडियन रेलवे को देना है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, देखिए शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए IRCTC में ओवर वैल्यूएशन की कंसर्न काफी है। अगर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आपने IRCTC के स्टॉक को सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत ये वॉलेटिलिटी वगैरह रहेंगे, इससे रहिए, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम आने वाले टाइम पे कंपनी क्या गाइडलाइन देती है कि आने वाले टाइम पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कैसे बढ़ेंगे वो देखना रहेगा, और क्या कंपनी नया करने वाली है, तो ये इन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक होल्ड करना ही सही रहेगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगा अगर स्टॉक गिरता है तो एवरेज कीजिए, यहाँ पे थोड़ा एवरेज करना, मतलब यहाँ पे फॉलिंग नाइफ भी IRCTC बन सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि IRCTC के जो यहाँ पे थोड़ा ये नेगेटिव न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ये अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।